दोस्तों मेरे नए ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों जा रहे हैं बनाने चिकन, और चिकन बनाएंगे हम मिट्टी के कढ़ाई में। तो ये देखो मिट्टी कढ़ाई हमारे पास है और चूल्हे बना के एकदम देसी स्टाइल में। तो ये मिट्टी कढ़ाई लिए हैं, इसमें नीचे हम मिट्टी और लगा लिए हैं गीली मिट्टी। तो चूल्हे बनाएंगे एकदम ज़बरदस्त बनाएंगे और आइटम पूरा लगा लिए हैं अपना पूरा सेटअप। तो मसाले में दिखाते हैं क्या क्या हमारे पास है। ये खड़े मसाले हैं हमें कुछ, एकदम देसी स्टाइल में बनाएंगे, सब देसी हिसाब से कूटेंगे मसाले को गिलास में और बेलन से। तो खड़े मसाले में दिखाते हैं, तेज़पत्ता है तड़के के लिए, दालचीनी लकड़ी है, जावित्री है, काली मिर्च है, लौंग है, स्टार फूल थोड़ा सा है, एक बड़ी इलायची है, छोटी इलायची है, और हमारे पास ये है थोड़ा सा जायफर और जीरा। इतने मसाले को हम गिलास में कूटेंगे। और पीसे मसाले में क्या है हमारे पास, हल्दी है, लाल मिर्च है, धनिया पाउडर है, थोड़ा सा मीट मसाला है। तो ये हम बाहर का मसाला लिए, मीट मसाला। तो अदरक लहसुन हरी मिर्च को कूटेंगे और प्याज। तो चलते हैं फटाफट, पहले चूल्हा जलाते हैं और प्याज को करते हैं फ्राई। तो ये जल गया हमारा चूल्हा, तो धीमी धीमी आंच पे इसको बनाएंगे हम, ताकि एकदम देसी स्टाइल में बनाना है तो धीमी धीमी आंच पे बनाएंगे। और इसमें डालेंगे हम तेल वगैरह। तो इसमें हम डालेंगे अब सरसों का तेल मिट्टी के अपने कढ़ाई में। ये देखें कितना स्वाद आ रहा है, खुशबू आने लगा है मिट्टी का। तेल डाल दिए हैं, जब तक हमारा तेल गर्म हो रहा है ये सब खड़े मसाले जो हैं सब गिलास में डाल के ये देखिए तो कूट लेते हैं। तो ले लिए सारे मसाले को, इसको हम कूटते हैं बेलन से मस्त। तो ये मसाले भी कूट लिए हैं, तो तेल में जाएगा मसाला, खड़े मसाले और दो तेज़पत्ता। थोड़ा इसको घुमा देते हैं, ये देखिए हल्का रोस्ट करेंगे इसमें तेल में। और इसमें जाएगा प्याज, ये बारीक कटी हुई प्याज, थोड़ा स्लाइस में काटे हैं इस तरह पतली पतली, ये सब जाएगा इसमें। अब प्याज को अच्छे से पकाएंगे तेल में। तो कलसी आराम से मारना है, ताकि मिट्टी का कढ़ाई है, नहीं तो फूट जाएगी कढ़ाई हमारी। तो आराम आराम से इसको मिक्स करेंगे तेल में और इसको बढ़िया से पकाएंगे। ये देखिए, तो जब तक प्याज हमारी फ्राई हो रही है, जब तक हम क्या करते हैं अदरक लहसुन हरी मिर्च को गिलास में कूट लेते हैं। तो सब कूट के डालना है, ताकि एकदम देसी स्टाइल में बना रहे हैं तो हमको कूटना पड़ेगा सब। इसको भी अदरक लहसुन हरी मिर्च को भी बढ़िया से बैठ के कूट लेते हैं। थोड़ा समय लगेगा बनाने में, आधा घंटा लगता है, 30 मिनट करीब जो है भगोले में कुक करने, तो इसमें जो है करीब 45 मिनट या 50 मिनट लगेगा। ये देखिए अदरक लहसुन हरी मिर्च कूट लिए हैं, इसको रखते हैं साइड में। पहले प्याज को हम फ्राई कर लेते हैं, ताकि प्याज हमारी एकदम देखिए आ गई है, अच्छे से गैस भी चल रहा है, मतलब कि हमारा अच्छे से चूल्हा भी जल रहा है। तो प्याज अब फ्राई जल्दी हो जाएगी, ये देखिए। तो प्याज हमारी 50% हो गई है, तो जो अदरक लहसुन हरी मिर्च कूटे थे गिलास में इसको भी डालेंगे हम। तो हरी मिर्च अदरक को और लहसुन को बढ़िया से प्याज साथ में मिला देते हैं अच्छे से, ये देखिए। अब इसमें डालेंगे अब चिकन, ताकि अदरक लहसुन भी हो गया हमारा, तो 1 kg चिकन इसमें बनाएंगे। तो सारा चिकन डालेंगे इसमें अब हम, प्याज साथ में थोड़ा सा अदरक लहसुन के साथ में चिकन को भी मस्त भूजेंगे। ये चिकन पड़ गया, इसमें जाएगा ये पिसे हुए मसाले, सारे मसाले इसमें डालेंगे हम। चिकन साथ में मसाला डालना है, तो अब इसको बढ़िया से मिलाएंगे आराम से चिकन और मसाले को प्याज में। ये देखिए, तो मिट्टी के कढ़ाई में स्वाद ही कुछ दूसरा है। तो अच्छे से मिलाना है हमको, बैठ के आराम से मिला देते हैं, देखिए
इसको अच्छे से मिलाना है, आराम से धीमे धीमे से, नहीं तो हमारा ये कढ़ाई फूट जाएगी। इसलिए आराम से हम देखिए मिला रहे हैं। तो नीचे थोड़ा लग रहा है मसाला, इसमें हल्का से हम पानी डाल देंगे थोड़ा सा। तो थोड़ा सा हम पानी डालेंगे नीचे, ये देखिए कि हमारा मसाला लगे ना, बस। तो बाद में हम पानी डालेंगे, अभी नहीं, अभी पहले हम इसको बढ़िया से मसाले को भूजेंगे। में अब हम नमक भी डालेंगे, अभी मसाला हमारा नीचे नीचे पक रहा है, उसमें अब हम स्वाद के हिसाब से नमक डालेंगे। नमक डाल के एक बार मसाले को ऊपर नीचे करेंगे। देखिए अब मसाला भी हमारा पक रहा है, प्याज हमारी एकदम से गल रही है, ये देखिए। थोड़ी कढ़ाई छोटी है हमारी, मगर चल जाएगा, बना लेंगे केजी इसमें। ये देखिए प्याज गलना शुरू हो रहा है हमारा। थोड़ा अंधेरा हो गया है, शाम हो गया है, तो जो है तब एकदम मसाला एकदम देखिए एकदम रेडी हो गया है। इसमें थोड़ा सा हम ग्रेवी के लिए पानी डालेंगे। अब तो थोड़ा इसमें जाएगा पानी, अब आराम से जो है थोड़ा ग्रेवी बनाना है इसलिए पानी डाल रहे हैं हम। इसको धीमी धीमी आंच पे आराम से पकाएंगे। थोड़ा पानी और डालेंगे हम अभी, ये थोड़ा सा पानी और जाएगा। अब कलर देखिए कितना ज़बरदस्त कलर अभी आया है। तो इसको आराम से मिलाएंगे पानी को मसाले के साथ में, ये देखिए। तो काफ़ी देर से भूज रहे हैं, देखिए शाम हो गया भूजते भूजते। तो पानी मिला दिए, अब इसको आराम से धीमी आंच पे पकाएंगे करीब हम 20 मिनट। तो आराम से इसको ढक देते हैं, देखिए ये तरह, ये तो आराम से इसको पकाएंगे करीब हम 15-20 मिनट। 15-20 मिनट में हम दिखाते हैं कैसे निकलता है। चिकन हमारा जबरदस्त पक रहा है धीरे धीरे मिट्टी कढ़ाई में। तो चलते हैं, तब नहा लेते हैं, एकदम पसीने पसीने हो गए हैं। तो इधर हमारा पानी भी एकदम रेडी हो गया भर के, एक टप पानी। चलते हैं फटाफट नहा लेते हैं, जब तक हमारा चिकन भी पक जाएगा फटाफट, फिर धनिया डाल के फिर खाएँगे। दोस्तों नहा हुआ एकदम रेडी हो गए हैं, ऑर्डर लगा लिए, एकदम फ्रेश हो गए हैं। हमारा चिकन भी एकदम रेडी हो गया है, अब उसमें धनिया डाल के खाना है। अभी शर्ट पहनेंगे, उसके बाद हरी धनिया डालेंगे, दिखाते हैं जबरदस्त चिकन बना हुआ है हमारा, और खा के स्वाद भी बताएंगे। आज साथ में संगम भी खाएंगे हमारे साथ में, अभी संगम भी फोन किए थे कि बन गया नहीं बना, तो हम कब नहा लिए हैं, बन भी गया है, धनिया डालना बाकी है। अभी संगम भी आएंगे, धनिया डालेंगे, खाएंगे, दोनों लोग साथ में खाएंगे, जबरदस्त बना है। अभी बता रहे हैं जबरदस्त बना है, जबरदस्त बना ही है। तो फटाफट अपना पहनते हैं शर्ट वगैरह, खोलते हैं इसको, आँच को कम कर दिए हैं, उसमें धनिया डालेंगे, और टिफिन पैकिंग करना है हमको अभी। इसको पहले ढक्कन हटाते हैं, ये देखिए गर्म है बहुत ज़्यादा, ये देखा चिकन कितना जबरदस्त हमारा एकदम बन के हुआ है रेडी। ये थोड़ा तो मिला देते हैं, उसके बाद इसमें डालते हैं अब हरा धनिया। थोड़ा अंधेरा हो गया है, बनाते पता अंधेरा हो ही जाता है भाई। तो धनिया को बढ़िया से मिला देते हैं, ये देखिए। तो करना है टिफिन पैकिंग, तो पहले टिफिन पैकिंग कर देते हैं। थोड़ा ग्रेवी भी डालेंगे, तो हो गया टिफिन पैकिंग।
पार्सल। चलते हैं खाने के लिए, इसको रख देते हैं इसे ढक के आराम से, जब तक सलाद वगैरह काट लेते हैं। तो आगे खाने के लिए इधर हमारा थाली वगैरह लग गया है, सलाद भी आ गया, रोटी भी आ गया, पानी भी रख लिए हैं, और अपना चिकन इधर आ गया है, और संगम आ गए हैं। अभी जो बताया था ना संगम आज खाने के लिए बोले थे, तो आज मिट्टी के बर्तन में बनाया गया। क्यों भाई, स्वाद जबरदस्त, महक कितना जबरदस्त रहा है। अरे महक भाई लाजवाब है इसका। तो चलते हैं फटाफट प्लेटिंग करते हैं, सब लोग खाते हैं। तो खोलते हैं, देखिए ये देखिए, तो जबरदस्त चिकन बन के रेडी हुआ है। तो निकालते हैं, प्लेटिंग करते हैं फटाफट, शुरू करते हैं लेग से। क्यों संगम? हाँ बिल्कुल भाई, कलर देखिए, आज कोई नहीं बोलेगा कि कलर में कोई दिक्कत है। देखिए कितना जबरदस्त कलर, तो भाई जबरदस्त आया है। तो तुम क्या बोले थे संगम कि 1 kg इसमें नहीं बन पाएगा? हाँ यार, मुझे लग रहा था 1 kg नहीं आ पाएगा, लेकिन 1 kg क्या, इसमें से 1 kg भी और आ जाएगा। 2 kg आ जाएगा इसमें, बिल्कुल आएगा। और टिपर भी पैकिंग हुआ था, अभी वीडियो में आप देखे होंगे, टिपर भी पैकिंग किए थे। तो अपने लिए भी निकालते हैं, ग्रेवी देखिए, ग्रेवी तो मिट्टी के बर्तन का भाई, स्वाद ही देखिए, स्वाद ही अलग रहता है। रोगन कितना जबरदस्त भाग रहा है पीछे से। छोटा जरूर हमें तो चाहिए था, छोटा हो गया। चलते हैं शुरू करते हैं, एकदम जबरदस्त देखिए रेडी हुआ है, थाली भी एकदम रेडी हो गया है। तो थाली लग गई हमारी और संगम के। क्यों संगम? हाँ भाई, इसमें हम पहले तो सलाद मारेंगे भाई, सलाद तो हम साथ में खाते हैं इस तरह। ये चक्का, हाँ ट्रक का चक्का। शुरू करते हैं। अच्छा नींबू के साथ आप भी खाते हो क्या? भाई बिना नींबू के तो, हाँ तो लेमन हमको भी चाहिए भाई, चिकन के साथ में लेमन तो बहुत ज़रूरी है। इसे मारेंगे ज़बरदस्त, थोड़ा बिया देख के मारना है। बिल्कुल, नींबू थोड़ा डाल दो भाई, क्या ज़बरदस्त इसका फ्लेवर आता है। शुरू करते हैं हम भी, तो संगम शुरू कर दिया है मिट्टी कढ़ाई वाला चिकन खाने के लिए। ऐसा है भाई, स्वाद तो बहुत जबरदस्त है। थोड़ा नमक ज्यादा होगा ना? नहीं नहीं, नमक तो मेरे लिए एकदम बढ़िया है। तो हम भी शुरू करते हैं, देखते हैं। हम लोग हो सकता है थोड़ा कम खाते होंगे। थोड़ा हमको नमक जब डाल रहे थे तभी लग गया था कि नमक हो ज्यादा ज्यादा हो, ताकि मिट्टी कढ़ाई में नमक जो है डालने पे कुछ हो जाता ऊपर नीचे। नहीं ठीक है, बढ़िया है नमक, ठीक है नमक, बढ़िया है। हम पहले परेशान थे, नमक कहीं ज़्यादा नहीं हो गया है। मिट्टी में पका है देखिए, क्यों मिट्टी स्वाद कुछ, मिट्टी का तो स्वाद ही अलग रहता है, अलग होता है मिट्टी का, तो जो बर्तन होता है ना। कई लोग कमेंट कर रहे थे कि संगम साथ ब्लॉक को बना गया था, संगम साथ बन ही गया है। तो संगम भाई एकदम जबरदस्त पका हुआ है, ये देखो अंदर तक एकदम बढ़िया, जैसे मक्खन लग रहा है भाई, एकदम जबरदस्त पीस। तो मेरा भी जबरदस्त पीस रखे हैं, लेकिन संगम खा रहा है तो हम भी खाएंगे भाई। तो हमारा तो खाने का स्टाइल तो अलग ही है। पीस फोड़ दोगे क्या? बस निकल गया अंदर का मसाला। अब संगम निकालेंगे चावल, बस 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 तुम लो, बाद में ले लेंगे ना फिर। अब चावल के साथ में मिट्टी वाली कढ़ाई का ग्रेवी मारेंगे। अब चावल भी रेडी कर रहे हैं हम भी, चावल थोड़ा इसमें नींबू और मारेंगे हम। अपना पोटा बचा के रखे हैं भाई, कतुका बचा के रखे अभी।
अच्छा पीस सीने का पीस है, सीने का पीस। और ये दूसरा थाई के पास वाला है, थाई का। देखिए कहाँ तक खींच दिए, देखिए कम कर दिए एकदम। तो आप प्याज व्याज लगाएंगे इसमें? संगम तो प्याज लगा ही नहीं रहा है, थोड़ा सलाद रखा है इधर में। भाई मजा आ गया, संगम भाई चलेंगे घर। क्यों संगम? हाँ भाई चले, संगम घर बगल में है, हम भी चलेंगे थोड़ा दुकान तक जाएंगे तो कुछ कोल्ड ड्रिंक वगैरह देखते हैं, पीते हैं। उसके बाद तो भाई एकदम मजा आ गया, मजा आ गया ना। अरे तो भाई उसको मिट्टी के कढ़ाई में बनाया गया था ना, बात तो सही है। तो हवा भी बहुत बढ़िया चल रही है पेड़ की जो है, देखिए मस्त पूरा भुट्टा पेड़ हमारा घूम रहा है। हम भी बैठते हैं थोड़ा बाहर तक जाएंगे घूमने के लिए, खाना पचाएंगे अभी जो है। उपज वैसे भी जाएगा, ज़्यादा समय नहीं लगता है पचाने में। आ गए रोड पे, आ गए जिम्मी खाना। जिम्मी भी अपना खाना चालू कर दी खाने के लिए, चिकन और चावल और रोटी। खा लो खा लो। तो गाड़ी वगैरह अपना खड़ी करते हैं अंदर। अब तो संगम को छोड़ने गए थे अभी दुकान तक, तो बगल में दुकान था, संगम बगल में ही घर है, उनको छोड़े हैं। तो अपनी गाड़ी वाड़ी अंदर करते हैं, चलते हैं अब सोने के लिए, ताकि सुबह ड्यूटी के निकलना है।